वेलकम टू रंतेश एडू क्लब। यदि आपने पिछला वीडियो देखा हो तो उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कक्षा 12वीं भौतिकी में किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए या उसका सूत्र पूछा जाता है। कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाएंगे। तो आइए समझते हैं एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मान लीजिए एक बिंदु पी है, एक बिंदु है मान लीजिए ओ कह दिए उसको, और इस पर क्यू आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज। इस बिंदु आवेश के कारण इसका एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसमें सपोज करिए ये इसका विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र पर एक अन्य बिंदु पी की कल्पना करते हैं और वहां हम एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो अल्प मात्रा में लेना है। अल्प परीक्षण आवेश क्यू जीरो हो तो इस क्यू के कारण P पर लगने वाला बल F होगा। इस दिशा में लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी क्योंकि बल इधर लग रहा है, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए R है। तब कूलाम के नियम से आगे ज्ञात करेंगे। तो माना कि बिंदु O पर, इसे लिख लेते हैं, माना कि बिंदु O पर एक बिंदु आवेश Q हो तथा R दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर परीक्षण आवेश अल्प परीक्षण आवेश, यहां ध्यान रखना है अल्प परीक्षण आवेश रखना है, अल्प परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो हो तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम लिखेंगे वेक्टर एफ, माने बल जो हम लगा रहे हैं कूलाम के नियम से, वे क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू, पहले हम निकाल चुके हैं, 1/4πε0 दोनों आवेशों का गुणनफल क्यू और प्लस क्यू जीरो, क्यू इंटू क्यू जीरो अपान आर स्क्वायर। ये हो गया कूलाम के नियम से। तो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ज्ञात किया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नियम, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई पी, माने पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो सूत्र हमने पीछे पढ़ा है, वेक्टर एफ अपान क्यू जीरो, वेक्टर एफ अपान क्यू जीरो। यदि मैं इसमें मान रख दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये मान एफ की जगह पर, ये पूरा मान आ जाएगा आपका, ये पूरा मान यहां से यहां तक एफ की जगह पर। चलिए मैं यहां लिखता हूं 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू जीरो अपान आर स्क्वायर, यह हो गया, और होल अपान क्यू जीरो। तो क्यू जीरो को हम क्यू जीरो 1/1 मान लेते हैं, तो ये पलटेंगे तो 1/Q0 हो जाएगा, यानी Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका मान आ जाएगा 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। यहां पर यदि मैं माध्यम का परावैद्युतांक K ले लूं तो ये K हो जाएगा, माध्यम का परावैद्युतांक K, जहां K किसी माध्यम का परावैद्युतांक है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक है। तो ये आपका निकल आया वेक्टर ई पी, माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर। अब यदि माध्यम के जगह पर हम निर्वात या वायु लें, यदि माध्यम निर्वात या वायु हो
तो यदि निर्वात या वायु हो तो के का मान क्या होता है, वन के बराबर हो जाता है। जब के का मान वन हो जाएगा ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यह हो जाएगा, जहां वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पिछले वीडियो में हमने ज्ञात किया था 9 × 10⁻¹। ऐसे मान रखने के बाद आवेश और दूरी बीच की दूरी मालूम हो तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। तो इससे संबंधित उदाहरण जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से होंगे उसको आप बना करके देखिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको डिस्क्रिप्शन उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो प्रयास करेंगे उसको आपको बताने का। ठीक है, धन्यवाद।